झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय देश की तीसरी डिफेंस यूनिवर्सिटी है। कोविड-19 के कारण यहां पठन पाठन का काम बंद है, लेकिन विद्यार्थियों के हित में बेहतर तरीके से काम चल रहा है। एक रिपोर्ट। झारखंड के अधिकांश विश्वविद्यालय अभी परीक्षा देने की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी के सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं ले चुका है और रिजल्ट भी जारी कर दिया है। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के कुल सचिव कर्नल राजेश कुमार ने बताया कि यूजीसी के नियमानुसार परीक्षाएं ली जा चुकी है। हमने यहाँ पे फाइनल एग्जामिनेशन ले लिए, जो कि दूसरी यूनिवर्सिटी अभी शुरू कर रहे हैं लेना या सोच रहे हैं। हमने एग्जामिनेशन कंडक्ट करके और उनका रिजल्ट भी निकाल दिया और एडमिशन भी हम शुरू कर रहे हैं। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में आने वाले समय में शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों की बहाली अनुबंध के आधार पर करने जा रही है। यहाँ पे और भी कोई परमानेंट अधिकारी नहीं है, परमानेंट फैकल्टीज नहीं है, परमानेंट हमारे शिक्षकेतर कर्मी नहीं है, तो इन सबों के लिए हमने सरकार से गुहार किया हुआ है कि जल्दी से जल्दी अपॉइंट करें। तब तक के लिए हमने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, गेस्ट फैकल्टीज बेसिस पे हमने निकाला हुआ है एडवर्टीजमेंट, जिसका कि 9 तारीख लास्ट डेट है और 10, 11 और 12 सितंबर यानी कि 2-3 दिन के बाद हम यहाँ पर साक्षात्कार के तरह से, हम इंटरव्यू के माध्यम से हम यहाँ पर उनका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। गौरतलब है कि पूरे लॉकडाउन में विश्वविद्यालय ऑनलाइन पठन पाठन का अभियान चलाता रहा। अब राज्य का पहला विश्वविद्यालय है यहाँ सभी परीक्षाएं समाप्त हो गई है, रिजल्ट जारी हो गए हैं और अब विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से समस्याओं के समाधान भी किए जा रहे हैं। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट।